नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। इस वक्त की सबसे अच्छी खबर, वैसी खबर जो बिहार में परेशान लोगों को जीने की ताकत देगी, वैसी खबर जो घरों में बंद लोगों को मुस्कुराने का संबल प्रदान करेगा। और ये खबर है कि बिहार में कोरोना के जो 11 मरीज थे उनमें एक की मौत हो गई थी, शेष जो बचे थे 10, उनमें से 2 बिल्कुल ठीक हो गए हैं। डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है, उन्हें लाख लाख सैल्यूट कीजिए। 2 पेशेंट कोरोना के जिनके भीतर रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वे अब बिल्कुल सलामत हैं। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? सैल्यूट 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 उन डॉक्टरों को जिन्होंने इनका इलाज किया और उस व्यवस्था को जहां ये दुरुस्त हुए। ये जो 2 पेशेंट हैं, देखिए, जो सरकार की बंदिश है उसके तहत आपको हम नाम पता नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से एक स्कॉटलैंड से बिहार आया था और दूसरा गुजरात के भावनगर से। तो यह इतनी बड़ी राहत की खबर, सच में मन मुस्कुरा रहा है और लग रहा है कि नहीं, हमारे भीतर जीने की ताकत है। और डॉक्टर भी इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, जब मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के ताले बंद हैं, धरती की ये भगवान डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 2 कोरोना के मरीजों को सलामत कर दिया है। देखिए, इससे बड़ी राहत की कोई खबर हो ही नहीं सकती है। यदि आप घरों में बंद हैं, मुस्कुराइए, उन डॉक्टरों को सैल्यूट कीजिए। और ये जो 2 मरीज सही हुए, देखिए, नाम हम नहीं बताएंगे, जैसा मैंने कहा कि एक स्कॉटलैंड से वापस आए थे बिहार और एक भावनगर गुजरात से। तो इनमें से एक हैं जो बटाऊ कुआं के रहने वाले हैं और दूसरे फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। और इसके साथ ही राहत भरी एक और खबर जो आपके भीतर ताकत प्रदान करेगी कि 40 संदिग्ध मरीजों की कोरोना की जाँच रिपोर्ट आ जाई है। RMRI में कल इनकी जाँच हुई थी और आज जो रिपोर्ट आई है उनमें सभी के सभी रिपोर्ट निगेटिव निकले हैं। देखिए, ये हमारी आपकी सबों की ताकत है कि कोरोना को हम सीमाओं से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, घरों से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमने अपने भीतर इतना आत्मसंबल बना रखा है। और देखिए, सरकार को कोस लीजिएगा, राजनीति कर लीजिएगा, समय आएगा, लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि यूपी के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने, जिन लोगों को बस में थूस कर बिहार की ओर रवाना कर दिया गया, उन्हें बिहार की सीमाओं पर रोक दिया गया है। और उनके लिए बिहार की सीमाओं पर व्यवस्था की जा रही है, अस्थायी कैंपों की व्यवस्था की जा रही है, वहीं खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था की जा रही है। और क्यों रोका जा रहा है? देखिए, सरकार की खिंचाई मैं फिर से कर रहा हूँ कि जब मर्जी हो कर लीजिएगा। सरकार चाहती है कि जो हजारों की संख्या में लोग योगी आदित्यनाथ के कारण बिहार में घुसे चले आ रहे थे, उन्हें आपके गांव तक नहीं पहुंचने दिया जाए, क्योंकि उनमें से कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित निकला तो पूरा कोरोना गांव को चपेट में ले लेगा। तो राहत भरी खबरें आनी शुरू हो गई है। अपना आत्मबल मजबूत रखिए। 2 कोरोना के मरीज सलामत हो गए हैं, उन्हें डॉक्टरों ने ठीक कर दिया है, उन्हें फिर से सैल्यूट कीजिए, बार बार सैल्यूट कीजिए। और संघर्ष के ये पथिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों के साथ, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें सत सत बार प्रणाम कीजिए। लाइव सिटीज की ओर से भी उन्हें प्रणाम। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।